राज्य स्तरीय योगा व सॉफ्टबॉल खेल स्पर्धा 27 से डीईओ ने खेल मैदान व खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की जायजा लिया। महेंद्रगढ़ के इस बार राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी। 27 नवंबर से 3 दिन चलने वाली इन राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के तहत महेंद्रगढ़ के योगा व सॉफ्टबॉल अंडर 17 आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों की स्पर्धा होगी। मंगलवार इन प्रतियोगिताओं की सफलता के लिए जिला स्तर शिक्षा अधिकारी ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बाद में खेल प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने व प्रदेश भर में आने वाले खिलाड़ियों को ठहरने की व्यवस्था के लिए यदुवंशी शिक्षा निकेतन स्कूल खेल मैदान का निरीक्षण किया। मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने खेल मैदान व लड़के लड़कियों की रहने की व्यवस्था का जायजा लिया। उसके साथ यदुवंशी शिक्षा निकेतन के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी भी मौजूद थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि देश भर से आने वाले महिला खिलाड़ियों के ठहरने के लिए यदुवंशी स्कूल में ही व्यवस्था रहेगी। खेल व्यवस्था भी स्कूल के मैदान में ही की गई है। लड़कों के लिए रहने की व्यवस्था शहर के विभिन्न स्कूलों में की गई है। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसको देखते हुए शहर के व गाँव के विभिन्न स्कूल प्राचार्यों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। DPE, DPI एवं अन्य अध्यापकों की व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई है ताकि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सर, जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम्स हुए, अभी स्टेट लेवल गेम्स होने जा रहे हैं, आप यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए, क्या कुछ कंडीशन है, तो कैसा क्या कुछ लगा? ऐसा जी, हमें राज्य की तरफ से 2 गेम्स मिले हैं, एक योगा का, एक बेसबॉल का, और वो हम बहुत शानदार करवाएंगे। यहाँ कोशिश पूरी है क्योंकि इसमें हमारी बच्चियाँ भी आती हैं पूरे राज्य से, तो उनकी ठहरने की व्यवस्था देख लेंगे, खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब आज देखने के लिए आए थे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन श्री बहादुर सिंह जी को, जिन्होंने ना केवल अपना हॉस्टल 500 बच्चों के लिए खोल दिया लड़कियों के लिए, बल्कि भोजन व्यवस्था भी इन्हीं की तरफ से रहेगी। तो इस प्रकार ये खेल में एक परोक्ष रूप से बहुत ही शानदार प्रोत्साहन है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हॉस्टल की व्यवस्था देखिए, भोजन हमने खुद भी खाया है, बहुत शानदार घर जैसा भोजन है और बहुत शानदार व्यवस्था है। तो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उन्हें अच्छा खाना मिलता है, इसका मतलब? हाँ, क्योंकि इनको नहीं पता था आज मैं आऊँगा, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, हालांकि चेयरमैन जी साहब साथ हैं, कई बार ये भी हो सकता है कि भाई आज के दिन अच्छा बना दिया, पता लग जाए यार, सडन आया था और मुझे बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूँगा मेरे घर से बढ़िया भोजन मुझे। सर, अभी तो खेलों का कार्यक्रम, लेकिन शिक्षा के जगत में अगर बात करें राव बहादुर सिंह जी की, तो बहुत ऊपर तक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, हरियाणा को लेके गए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, यदुवंशी ग्रुप ने जो संस्था है जहाँ हम खड़े हैं ये सबसे पहले बनाई थी, और इन्होंने मार्गदर्शन किया है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, इनके साथ साथ अब तो और भी कंपटीशन कई विद्यालय वो आ गए, लेकिन शिक्षा का अलख जगाने में सरकारी व्यवस्था के साथ साथ, सरकारी शिक्षा के साथ इस संस्था का बहुत बड़ा हाथ। धन्यवाद सर जी। सर, अपने बारे में बताएं सबसे पहले। मैं पवन भारद्वाज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। जिस प्रकार से आज आप यहाँ पे आए, खाना भी खा के देखा, बच्चे यहाँ आएंगे रहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं आपको लगी? हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माननीय श्री सुनील दत्त यादव जी के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय गेम्स के आज फाइनल थे, और एज ए मेम्बर सर ने मेरे को साथ में नॉमिनेट किया। आज हमने राज्य स्तर के लिए जो हमारी टीमें यहाँ स्टेट से आनी है, उसकी व्यवस्था, बच्चियों के रहने की, हॉस्टल की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, खाना तो हमने और सर ने, चेयरमैन साहब ने स्वयं खाया है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, और एक सुरक्षित और अच्छे हेल्दी वातावरण में बच्चे हमारे स्टेट के रहेंगे। सर, 500 बच्चों के लिए हॉस्टल खोल दिया, खाने की व्यवस्था, सुरक्षा बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए क्या कहेंगे? हम आभारी हैं जिला शिक्षा विभाग चेयरमैन साहब का, यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी हमारे स्वयं साथ हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था दिखाई है और एक बेहतरीन इंतज़ाम इन्होंने किया है, और एक सुरक्षित माहौल में हमारे राज्य की बच्चियां यहां पर रहेंगी, और मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी खेल भावना के साथ ये पूरा हम संपन्न करवाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेल हुए, अभी स्टेट लेवल के होने जा रहे हैं, और यदुवंशी हर जगह आगे है, 500 बच्चों के लिए रहने की, खाने की व्यवस्था आपने की, और सभी धन्यवाद कह रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? भाई, मेरे लिए कोई नया काम तो है नहीं,
क्योंकि मैंने 1995 से लेकर के आज तक 500 की बात हो चाहे 5,000 की चाहे 1,00,000 की, जहाँ तक बच्चों की खाने की बात है, जहाँ रख रखाव की बात, वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि मुझे कोई नई बिल्डिंग नहीं बनानी, मुझे नया कोई खाना बनाने वाले नहीं लेने। ये 500-700 बच्चे हैं, अगर आ भी जाएं तो हमारे पास में पहले भी 500-700 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरे स्टेट से बच्चे आएंगे और वो भी सरकारी तौर पर आएंगे। हम उनकी जितनी सेवा कर सके उतनी करेंगे, और सेवा कर करके उनके माध्यम से हमें उनकी दुआएं भी लेने का काम। जिस प्रकार से पूरे स्टेट के बच्चे आएंगे, क्या शुभ आशीर्वाद देंगे खेलों को लेकर? मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे आएंगे, हार जीत तो अलग बात है, लेकिन जो बच्चा जीत करके जाएगा वो तो जीतेगा, लेकिन हारने वाला बच्चा भी सीख करके जाएगा, अगली बार जीतने का ख्वाब लेकर के जाएगा, और भगवान ऐसा पूरा करता भी है। सर, ऐसा सुना है कि यदुवंशी स्कूल हारने वाले बच्चे को भी इनाम देता है। हाँ, मोमोन तो हम उन बच्चों को भी देने का काम करते हैं। जो बच्चा यहाँ से हार जाता है, वो सेकंड रहता है या थर्ड रहता है, तो भी हम उसको मोटिवेट करने के लिए मोमेंटो यदुवंशी स्कूल की तरफ से देने का काम करते हैं। देंगे। धन्यवाद सर। किस प्रकार से सर आप बताएं सुरक्षा के बारे में कुछ कह रहे थे? बारे में ऐसा है, हमारे 8 स्कूलों में के लगभग टोटल 8 स्कूल हैं जहाँ बच्चे ठहरेंगे। यदुवंशी ग्रुप में सभी लड़कियाँ यहीं ठहरेंगी। लड़कों की जहाँ व्यवस्था है और भी स्कूलों में की गई जी। लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमने हमारी लोकल जो बीओ हैं वो अलका शौरान जी हैं, उनके चेयरमैन में 3 कमेटी बनाएंगे और वो सुरक्षा देखेंगे। इसी प्रकार प्रिंसिपल्स की 3-3 कमेटी, 3-3 व्यक्तियों की कमेटी बनाकर वो प्रत्येक एक स्कूल जहां बच्चा ठहरा है उसको वो इंचार्ज बनाएंगे। इस प्रकार सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद सर जी। सर क्या कहेंगे, जब भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे, इंस्पेक्शन किया, खेलों के बारे में भी बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं आए हैं, उनका भी धन्यवाद, और मैं राव बहादुर सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राज्य स्तरीय इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करवाना एक गर्व की बात है, तो हमारे तो ये भामाशाह है और भामाशाह के रूप में देखे जाते हैं, इसलिए यदुवंशी परिवार का और राव बहादुर सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, बढ़िया है प्रदीप जी। जिस प्रकार से स्टेट लेवल गेम्स होने जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं स्कूल की हैं? आपने भी देखा है नए नए बच्चे आएंगे, क्या आपके विचार हैं उनको लेके? सर स्टेट में हमने पहले भी टूर्नामेंट करवाए हैं, 2 बार स्टेट के गर्ल्स से करवाए हैं फुटबॉल के। इस बार हमारे को योगा और कोरबॉल का स्टेट टूर्नामेंट मिला है, इसमें रहने खाने पीने की सभी व्यवस्थाएँ हैं। हॉस्टल है गर्ल्स का, उसमें गर्ल्स की रुकने की अरेंजमेंट की गई है। आगे आज भी जिला स्तर पर टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें भी अच्छी व्यवस्था की गई है। अधिकारी आए, खाना भी उन्होंने खा के देखा है, बच्चों को कैसा खाना मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? पूरी सुरक्षा मिलेगी, सेफ्टी है। टूर्नामेंट होगा वो स्कूल की बाउंड्री के अंदर ही होगा, बाहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था है, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ मिलेंगी, नहाने की, गर्म पानी की, सब कुछ। धन्यवाद। व्यवस्था मिलेगी।